प्रदेश के लोक निर्माण एवं पर्यावरण विभाग के मंत्री सज्जन सिंह वर्मा देवास के टोंकुद पहुंचे, जहां पर उत्कृष्ट विद्यालय में छात्र छात्राओं को साइकिल वितरित की गई तथा बिजली दुर्घटना में मृत बच्चे के परिजन को मध्य प्रदेश शासन की ओर से 4 लाख की सहायता राशि का चेक सौंपा गया। इसके पश्चात दोपहर 12 बजे मॉडल स्कूल प्रणांग में वृक्षारोपण किया गया तथा दोपहर 1 बजे ग्राम किशनपुरा में गौशाला का भूमि पूजन किया गया। वहीं मंत्री वर्मा ने कहा कि कांग्रेस के वचन पत्र के अनुसार सरकार बनने के बाद गांव में गौशाला बनने की घोषणा की गई थी, उसे आज पूरा किया गया। टोंकुद में गौशाला का भूमि पूजन किया गया और कहा कि सरकार अपने वादे की पक्की है। कमलनाथ सरकार गौशाला निर्माण का वचन किया था, उसके अंतर्गत आज टोंकुद में किशनपुरा में गौशाला का पूजन किया गया। इस अवसर पर देवास जिला कलेक्टर श्रीकांत पांडे, देवास पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर सोलंकी सहित जिले के आला अधिकारीगण मौजूद थे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाए।